हेलो नमस्कार दोस्तों, एजे टेक्निकल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में। आज दोस्तों मैंने एक आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट में ajtechnicaltech.com, उसमें मैंने बताया 10 ऐसे मिथ के बारे में जो लोगों के साथ शेयर किए जा रहे थे व्हाट्सएप में, फेसबुक में। कुछ लोग उन पर विश्वास भी करते हैं, वैसा करने लगते हैं तो इससे बुरा असर पड़ता है, कुछ गलत जानकारियाँ चली जाती हैं। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास गलत जानकारी है, आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होगा लेकिन वैसा हो जाएगा, तो वो गलत बात है। अगर आप भी करते हैं ऐसा फेक न्यूज़ फैलाने वाला, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से अगर हम मोबाइल में जानना चाहें इसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, इसका स्टेटस क्या है, जैसे स्टेटस स्टैटिस्टिक्स, कितने लोग संक्रमित हो गए, कितने ठीक हो गए। बहुत से लोगों को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि जानने की, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कितने लोग ठीक हो गए, क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है, तो इसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से आप ऑफिशियली ले सकते हो। और ऐसी बहुत सी जानकारी होती है दोस्तों, जो मिथ्स होते हैं, हमारे प्रश्न होते हैं, इसके ऊपर बहुत से प्रश्न उठते हैं अभी, क्योंकि ये वायरस जो है नया वायरस है, इसकी जानकारी अभी साइंटिस्टों को भी पूरी जानकारी नहीं है कि इसके प्रॉपर लक्षण क्या है। इसके प्रॉपर दवाई तो अभी खोजी जा रही है, पता नहीं कब तक होगी, है ना। तो इस तरह की जानकारी आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑफिशियली जानकारी एक ही जगह में पाओगे, ठीक है। तो होता है दोस्तों, ये जो मौसम है ये भी चेंज हो रहा है अभी, तो सर्दी जुकाम भी हमें लगा रहता है, तो कैसे पता करें कि हमें सिंपल वाला सर्दी जुकाम है, अगर डिसीज़ कितने चांसेस है हमें कोरोना वायरस के संक्रमित होने से, ये भी जान सकते हैं आप इसके थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके मोबाइल में माई जियो का ऐप होगा, ठीक है, अगर नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लें, उसके बाद उसे ओपन कर लें। तो मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको तीन, जो यहाँ पे ऊपर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, तीन डंडे से दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने से आपको सबसे पहले दिख रहा होगा रिलायंस फाउंडेशन COVID-19, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी, आपको यहाँ पे आ गई नेक्स्ट विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में लोगो बना कर है रिलायंस फाउंडेशन का COVID-19 इंडिया टूल, तो ये रिलायंस की तरफ से है COVID-19 का इंडिया टूल, तो आप यहाँ से सारी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों ये जियो का ऑफिशियल ऐप से है जानकारी है, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही जानकारी ही मिलेगी, ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो अभी क्या करना है दोस्तों, अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश जानते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर लैंग्वेज का दो दिख रहा होगा बॉक्स सा राइट साइड में ऊपर, तो यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आप इंग्लिश भी कर सकते हैं अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है। दो लैंग्वेज यहाँ पे सपोर्ट करता है, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है कि कोरोना वायरस जो रोग COVID-19 है ये अक्सर में क्या है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लक्षण की बात की गई है, लक्षण जांचने के लिए आप अपने लक्षण जांच सकते हैं क्या आप कोरोना वायरस के साथ संक्रमित हो या नहीं हो। तो चांसेस बताएगा कि इतने चांसेस हो सकते हैं आपके संक्रमित आप हो। तो इसको जांचने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिख रहा होगा, यह आपसे प्रश्न पूछेगा बेसिकली, उसके आधार पर बताएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से हम चुन लेते हैं, ये सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि आप एक टेस्ट किसके लिए करना चाहते हैं। मैं स्वयं के लिए करना चाहता हूँ। तो आप क्या है, तो पुरुष है महिला है, तो यहाँ से मैं पुरुष सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद आपकी एज पूछी जा रही है, तो 12 से 50 के बीच में मैंने सेलेक्ट कर दिया। क्या आपको इनमें से कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमारी है, तो यहाँ पे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं, इनमें से अगर आपके पास आपको कोई बीमारी है तो उस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो इनमें से कोई नहीं पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आगे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप 14 दिनों में कई राष्ट्र का दौरा किया है, तो यहाँ से जैसे आप विदेश गए हो तो यहाँ पे अपना कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर ले, जिस कंट्री पे आप गए थे या जिस कंट्री से आप आए हों। हम यहीं पे थे तो कहीं गए नहीं है, तो मैं यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पे क्लिक करता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने या आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की है, जो आपके सार्वजनिक परिवहन होते हैं, सरकारी वाहन होते हैं, उनमें यात्रा की है 14 दिनों में, तो मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं की है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको बुखार है, अगर जैसे जैसे आपको प्रश्न पूछते जाता है आपको वैसे वैसे आंसर देते जाना है, आपको ट्रू आंसर देने हैं तभी आपको ट्रू इसका रिजल्ट मिल पाएगा, ठीक है। तो मेरे को बुखार नहीं है तो मैं नहीं पे क्लिक करता हूँ, खांसी भी नहीं है, सर्दी भी नहीं है,
खराश गले में नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं है, क्या आपके आवाज़ में बदलाव नहीं है? तो इस तरह से सारे मैंने कर दिए, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जोखिम कितना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कम जोखिम है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा, जितने ज़्यादा आपके सिम्टम्स मिलते होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे दिखाएगा कि हाँ आपको ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, जैसे आपको सर्दी बुखार, खराश गले में, खांसी है ना, कफ, सूखी कफ जो आती है, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको एक बार डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए। आप फ़ोन कर सकते हैं, अगर आपके कोई फैमिली डॉक्टर हो तो उनको बता सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो नंबर है इनके, मैं आपको नंबर भी बता दूंगा, तो उन नंबर पे कॉल करके आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। बैक होने के बाद यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा परीक्षण जांच केंद्र। अभी दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि आपको लगता है कि नहीं आप डिजीज़ है आपके, या आपके फैमिली में कोई इससे संक्रमित है, तो इसकी जानने के लिए कि कहाँ कहाँ पे इसके लैब हैं, ऐसे भी अगर जानना चाहते हो इंडिया में कहाँ कहाँ पे इसके लैब खुल चुके हैं टेस्टिंग के, क्योंकि दोस्तों ये टेस्टिंग स्पेसिफिक लैब में ही हो पाती है इसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रमित जो वायरस एकदम से फैलता है तो, और हानि भी बहुत पहुँचाता है, इसलिए इसको जो टेस्ट करने वाली लैब होती है वो विशेष रूप से बनाई जाती है। तो इसकी लैब कहाँ कहाँ पे है वो चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे परीक्षण जांच केंद्र में। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के सारे स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं आप उन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ अभी, तो मैं हरियाणा पे क्लिक करके यहाँ पे देख लेता हूँ। यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो लैब हैं हरियाणा में, एक सोनीपत में है, BS सरकारी मेडिकल कॉलेज सोनीपत में है, और दूसरा ये रोहतक में है, ठीक है। तो दो है यहाँ पे, व्यू मैप में आप इसकी लोकेशन भी जान सकते हैं कि कहाँ पे हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ से हम वापस हो जाते हैं। अभी तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा आंकड़े, इसकी क्यूरियोसिटी आज हर एक हमारे नागरिक को है कि क्या हो रहा है इससे, कितना नुकसान हो गया या क्या कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जानकारी जानने की सभी को क्यूरियोसिटी रहती है। तो आंकड़े पे क्लिक करेंगे, आंकड़े पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा इंडिया का जो मैप है वो दिखाई दे रहा है। अब नीचे थोड़ा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको कुल संक्रमित लोगों की संख्या मिलेगी। ये दोस्तों कन्फर्म मामले हैं, ये नहीं है कि उनको आशंका है, आशंका वाले नहीं है, ये कन्फर्म है। 909 मामले अभी तक आ चुके हैं, उनमें से डिटेल क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है अस्पताल में भर्ती 810 हुए थे, ठीक हो चुके 80, और जो हमारा लॉस हुआ है इसमें वो 19 है। तो 19 लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे इस कोरोना के चलते। और दोस्तों अगर हम स्टेट हैं, स्टेट की यहाँ पे पूरी बात करें तो यहाँ पे पूरा डाटा है कि स्टेट में ज़्यादा नुकसान हुआ है, कितने संक्रमित हैं, इस तरह का पूरा डाटा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरला में है, ठीक है। तो इनका डाटा चेक करना हो किसी भी स्टेट का तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके एक नीचे पॉपअप खुल गया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है महाराष्ट्र अस्पताल में भर्ती 150 हुए थे, ठीक हो चुके हैं 25, मृतकों की संख्या को बात करें तो 5 इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं कोरोना के चलते। तो हम उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दें। चलिए अभी इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना भयंकर इसका वो चल रहा है। तो मैं आपको बस यही सुजेस्ट करूंगा कि आप घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और अपने आस पड़ोस को भी, अपने समाज को भी, अपने इंडिया को भी। तो बस आपका यही संकल्प होना चाहिए कि आपको हाइजीनिक रहना है और घर में रहना है जब तक कि ये पूरा ठीक नहीं हो जाता, कुछ चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकल जाता। तो इसी तरह से इंडिया में भी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी को पता है 21 दिन का, तो इसका पूरी तरह से पालन करें। तो यहाँ पे आंकड़े देख के आप पता चल चुका होगा कि क्या स्थिति है। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं तो आपसे अक्सर बहुत से, जैसे मैंने बताया पहले भी, व्हाट्सएप में सोशल मीडिया में जो है फेक न्यूज़ फैलती रहती है, तो आपको यहाँ से अपने जवाब मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे सवालों के टॉपिक मिल जाते हैं यहाँ पे। जैसे कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं आप तो यहाँ पे क्लिक करके, फर्स्ट वाले में क्लिक करके आप जान सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 टॉपिक मिल रहे हैं, कोरोना वायरस क्या है, SARS एंड COVID-19 में क्या अंतर है। जो SARS वायरस है ये भी दोस्तों कोरोना फैमिली ही सदस्य है, जो COVID-19 है ये भी कोरोना वायरस का सदस्य है, जो अभी जो कोरोना वायरस है वो COVID-19 है, ठीक है। तो इस तरह से
आप यहाँ पे सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे लक्षण, रोग, जल रोग का फैलना, ये पूरी तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बैक हो जाता हूँ। अभी हम देखते हैं हेल्पलाइन। तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर, जैसे मैं पहले बता रहा था कि अगर आपके आस पड़ोस में या अपने फैमिली में या आपको लगता है कि नहीं अब मेरे से नहीं सहा जा रहा है, मेरे को ये हो सकता है, तो मेरे को जांच करवानी है, ये इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है जहाँ से आप पूरी जानकारी इसके बारे में पा सकते हैं। तो आपको हेल्पलाइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे स्टेट वाइज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक जीमेल आईडी भी मिल जाएगी। अगर आप मेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है। जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको व्हाट्सएप नंबर मैं बता दूँगा, तो इसकी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर ये है सबसे पहले वाला। तो इस तरह से स्टेट वाइज भी नंबर है। ठीक है, तो जो भी आपको, आप जिस स्टेट में रहते हैं अगर आपको लगता है तो कॉल कर सकते हैं आप इनको। ठीक है दोस्तों, फ्री में कॉल मत करना क्योंकि ये सही बात नहीं होगी। तो अगर आपको बिल्कुल इमरजेंसी है, आपको हेल्प चाहिए, तो ही इनको कॉल करें। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप पूरी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी और सही जानकारी कहाँ से ले सकते हैं, वो भी अपडेटेड। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ घर में रहिए और अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने देश को सुरक्षित रखिए। ठीक है, आप एक सोल्जर की तरह भूमिका निभाएंगे इस वक्त अगर आप घर में रहेंगे तो, आइसोलेटेड रहेंगे तो। ठीक है, ये वायरस जो है बूढ़ों के ऊपर ज़्यादा असर करता है। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग आदमी है तो उनको, उनका भी ज़्यादा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, बस यही मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपने मोबाइल में इसकी जानकारी, सही जानकारी पा सकें। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में बस गलत गलत चीज़ें ही फैलाई जा रही है, झूठी चीज़ें फैलाई जा रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस जानकारी को प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको जितना हो सकता है फैलाइए, शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों के पास पहुँचे। और उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो घर में देख रहे होंगे, और प्लीज़ अगर आप कहीं बाहर है तो प्लीज़ घर में रहिए जब तक कि सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाता आगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।